प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर आलोक सिंह की अध्यक्षता में तीनों इज्जतनगर, लखनऊ, वाराणसी एवं प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक कार्यालय के अधिकारियों के साथ विभिन्न वाणिज्यिक विषयों पर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अप्रैल 2019 से सितंबर 2019 तक रेलवे यातायात आय, यात्री यातायात, माल यातायात एवं अन्य कोचिंग यातायात के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक आलोक सिंह ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे पर अप्रैल 2019 से सितंबर 2019 तक आरक्षित यात्रियों की संख्या में पिछले वर्ष की अवधि की तुलना में 12.6% की वृद्धि हुई है। वहीं कुल यात्री यातायात में 2.92% की वृद्धि हुई है। आरक्षित संवर्ग की आय में भी 9.51% एवं कुल यात्री यातायात की आय में 7.6% की वृद्धि हुई है। साथ ही कुल वाणिज्यिक आय में 5.63% की वृद्धि हुई है। प्रमुख मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक आलोक सिंह ने कहा कि वर्तमान में अनारक्षित यात्रियों, यात्री बुकिंग काउंटर, ATVS, JTVS एवं मोबाइल पर UTS ऐप के माध्यम से भी टिकट खरीद सकता है। इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे पर बिना टिकट यात्रा के मामलों में 3.30% की कमी आई है। तीनों मंडलों में सघन टिकट जांच एवं मजिस्ट्रेरियल जांच की निर्देश दिए गए हैं, ताकि बिना टिकट एवं अनियमित यात्रियों को पकड़ा जा सके। श्री सिंह ने रेलवे की छूट सीमा से अधिक सामान लेकर तथा बिना बुक सामान लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों को चेक कर जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए। मंडलीय अधिकारियों ने अपनी समस्याओं से प्रमुख मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक को अवगत कराया। बैठक को मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक FM श्री राधेश्याम ने भी संबोधित किया। बैठक में वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक इज्जतनगर श्री नीतू, वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक लखनऊ अंबर प्रताप सिंह, वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक सचिव संजीव शर्मा, उपमुख वाणिज्यिक प्रबंधक PM धीरेन्द्र कुमार, उपमुख दावा अधिकारी JP गौड़, वरिष्ठ वाणिज्यिक प्रबंधक टिकट जाँच शिवेंद्र सिंह, वरिष्ठ वाणिज्यिक प्रबंधक सामान श्री राधेश्याम, वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक FM मनोज श्रीवास्तव एवं सचिव प्रमुख मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक श्री PK मिश्र उपस्थित थे।